नमस्कार दोस्तों, नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी अभिभावकों को, समस्त स्टाफ को भी मेरा नमस्कार। आज का अपना जो बिंदु है, अपना जो पॉइंट है, वो रहेगा मनुष्य छोटे पत्थर से गिरता है, पहाड़ से नहीं गिरता है। आपने देखा भी होगा, आपने कभी छोटा सा जब पत्थर आपके पाँव में आ जाता है और आपकी नज़र नहीं पड़ती है तो आप उससे फिसल कर गिर जाते हैं। अगर उस छोटे पत्थर से नज़र दे करके हम फिसलने से बच जाएं तो हम गिरने से बच जाएंगे, जीवन में आगे चलते रहेंगे, हम हमारे रास्ते पर चलते रहेंगे। सेम यही बात मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जीवन में मनुष्य के लिए होती है। हम एक छोटी सी गलती को इग्नोर कर देते हैं। जब आपको गलती करते हैं तो आपको आपके मम्मी पापा और आपके गुरुजी डांटते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आप उसे बुरा मान जाते हैं और आपका एक जवाब होता है, मैंने एक छोटी सी गलती कर दी, इसके लिए पापा ने मुझे ये कह दिया, मेरे गुरुजी ने ऐसा कहा है, ये गलत कहा है, मैंने कौन सा बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो नहीं चाहते कि आप बड़ी गलती करें, इसलिए वो आपको छोटी गलती के ऊपर ही रोकना चाहते हैं ताकि आप बड़ी गलती पर नहीं पहुंच पाए। क्योंकि इंसान छोटी छोटी गलतियों से ही जीवन में परास्त होता है, अचानक से आई हुई बड़ी गलती से वो परास्त नहीं होता है। छोटी सी कहानी कि एक बार एक बच्चा स्कूल में जाता है, जब वो स्कूल में प्रारंभ करता है अपनी शिक्षा तो शुरू में वो किसी बच्चे की पेंसिल चुरा के ले आता है, मम्मी को देता है, मम्मी उसको कुछ नहीं कहती है। जब बाद में वो बच्चा किसी का पेन, किसी का कॉपी चुरा के लाता है, मम्मी फिर कुछ नहीं कहती है। ऐसी उसकी वो प्रक्रिया जो है धीरे 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 चलती रहती है। और एक दिन ऐसा होता है कि वही बच्चा अपने अन्य साथी जो होते हैं उनके रुपये भी निकालना शुरू कर देता है, उसकी जहाँ नज़र पड़ती है वहीं से रुपये या अन्य कोई सामान की चोरी करना शुरू कर देता है, मम्मी फिर उसे कुछ नहीं कहती है, यहाँ तक कि उसको शाबाशी दे देती है और उसको इन बातों के लिए टोकती नहीं है। और इसका परिणाम ये हुआ कि वही बच्चा चोरी करते 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 ऐसी उसकी आदत हो गई कि वो बड़ी चोरियां करना उसने शुरू कर दी। और वही बच्चा एक दिन बहुत बड़ा उस क्षेत्र का डाकू बन गया, जो पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड हो गया। जब वो एक बहुत बड़े चोरी के केस में, हत्या के केस में फंसता है तो उसको जज के द्वारा फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे दोस्तों, जब उसे अंतिम इच्छा मालूम की जाती है तो उसने अंतिम इच्छा अपनी मम्मी से मिलने के लिए कि अंत में मैं मेरी मम्मी से मिलना चाहता हूँ, एक बार मुझे मिलवा दिया जाए। जब उनकी माता को बुलवाया जाता है, मम्मी जब वहाँ आ जाती है तो वह मम्मी को अपने नज़दीक बुलवाता है। जेलर जो होते हैं वो उनको ले जा करके और उनके मम्मी को उनके पास में ले जाते हैं। मम्मी से कहता है कि मम्मी मुझे आपको कुछ बात कहनी है, आप मेरे नज़दीक आएँ। और मम्मी को बिल्कुल नज़दीक जब भेजा जाता है, मम्मी जब नज़दीक आती है तो मम्मी इशारा करता है कि मुझे आपको कान में कुछ बताना है। और जैसे मम्मी नज़दीक आती है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वही लड़का मम्मी का कान काट जाता है। इस पर सब दंग रह जाते हैं, सब उससे मालूम करते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। तो उस बच्चे का जवाब, उस डाकू का जवाब जो था वो आप सब जानते होंगे, वरना मैं बताता हूँ कि उसने ये कहा कि जब मैंने छोटी चोरी शुरू की थी, जब मैंने चोरी की शुरुआत की थी, उस समय यदि मुझे मेरी मम्मी रोक देती, मुझे वो छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करने देती, तो आज मैं इस फांसी के तख्ते पर नहीं चढ़ता, मुझे फांसी की सज़ा नहीं सुनाई जाती। इसलिए मेरे जीवन को यदि अंधकार में भेजा है तो वो मेरी माता है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आपका जीवन अंधकार की ओर नहीं जाए, इसलिए आपके मम्मी पापा, आपके गुरुजी आपको छोटी छोटी गलतियों पर रोकते हैं, टोकते हैं, डांटते हैं, कभी कभार पिटाई भी कर देते हैं, चाटा भी लगा देते हैं। इन बातों का बुरा नहीं माने, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए छोटी छोटी गलतियों को दूर करना बहुत ज़रूरी होता है। इंसान छोटी छोटी गलतियों से ही सीखता है। इसलिए आप अपने जीवन में याद रखें, कोई भी छोटी छोटी गलतियां जो आपकी नोटिस में आती हैं, या आपके मम्मी पापा आपके नोटिस में डालते हैं, या आपके गुरुजी आपके नोटिस में डालते हैं, आपके मित्र आपके नोटिस में डालते हैं, तो आप उन गलतियों को अपने जीवन से निकालने की कोशिश करें ताकि वो छोटी छोटी गलतियां बड़ी नहीं बने और आप अपने जीवन में
इन छोटी छोटी गलतियों से सीखते चले जाएं और जीवन आपका आनंदमय हो जाए, आपका जीवन एक सफल जीवन रहे, आपके जीवन में सभी खुशियाँ आएँ। सभी को आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।